a isomerism in complexes we are going to discuss isomerism in complexes two types of isomerism possible in complexes which one of the type of आइसोमेरिज्म इज ज्योमेट्रिक दर आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल तो दो तरह की आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कॉम्प्लेक्सेस में एक आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिक एंड दूसरी आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल ओके तो बेटा इफ आई डिसाइड अबाउट द शेप्स तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस कल हमने पढ़े थे लीनियर कॉम्प्लेक्सिस ट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्क्वा प्लैनर कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्ट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े थे कल और आइसोमेरिज्म हमारे पास कितनी टाइप्स की हैं टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है जोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल अब देखिए ये टेबल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है बेटा टेबल क्या सजेस्ट कर रहा है कि हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे ठीक है बस स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोई और आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है सिर्फ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और ऑक्टाहेड्रल में दोनों पॉसिबल हो सकती हैं ज्योमेट्रिक भी और ऑप्टिकल भी बाकी टेट्राहेड्रल और लीनियर में कोई आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है लीनियर में तो पॉसिबल नहीं है टेट्राहेड्रल में आपके सिलेबस में नहीं है आपके सिलेबस के मुताबिक ये तीन कॉम्प्लेक्स दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल जिनमें आइसोमेरिज्म अंडर डिस्कशन आएगी ठीक है तो हम स्टार्ट कर लेंगे स्क्वायर प्लानर से Square, planar, complexes. Tell you know that क्वाड्रल स्क्वायर प्लेनर शेप का पता है कैसे होती है स्क्वायर प्लेनर शेप देखो असल में तो स्क्वायर प्लेनर आपको ये फील हो रहा है कि ये एक प्लेन है देखो ये प्लेन फील हो रहा है तो स्क्वायर प्लेनर शेप इज लाइक कैसे कि ये एक बॉन्ड इधर होगा एक बॉन्ड इधर होगा एक बॉन्ड इधर होगा और एक बॉन्ड इधर होगा ये स्क्वायर प्लेनर शेप है जी So, इसमें बेटा बताओ कि एंगल्स कितने हैं नाइन्टी है और वन एटी डिग्री है ये स्क्वायर प्लेनर शेप है बेटा सो so, इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं ड्रॉ हम ऐसे करते हैं इसको दो वेजेस बनाते हैं वट इट मीन्स बेटा वेजेस एंड दो डॉटेड ये अगर हमारा प्लेन ना इस तरह आ जाए देखो ये ये तो अभी एक प्लेन पे तो चारों पॉइंट्स पड़े अगर इस प्लेन को मैं उठा के यूं कर दू सत्य समझ आ जाए कि नहीं दो पॉइंट तो तो बाहर की तरफ निकले होंगे क्योंकि ये चीज रिकॉर्डिंग में नहीं मैं बता सकता है बेटा देखे चले देखें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा फोर होता है तो ये जो एम है ना ये सेंट्रल मेटल आइन के लिए है और ए फोर का मतलब है चारों लेगेंट एक जैसे हैं यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें चारों लिगेंट एक जैसे हों उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ये एम ए फोर समझ आया एम मेटल आयन है और ए फोर का मतलब है चारों लिगेंट एक जैसे हैं अगली पॉसिबिलिटी है एम ए थ्री बी इसका क्या मतलब है ए थ्री बी का कि तीन लिगेंड एक जैसे हैं चौथा लिगेंड डिफरेंट है, है. इसमें भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म सिचुएशन में पॉसिबल है एम ए टू बी टू इस सिचुएशन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी या एम ए टू बी सी इसका क्या मतलब है बेटा ए टू बी सी हाँ तो ए दो लेगेंट एक जैसे हैं और अगले दो लेगेंट डिफरेंट हैं। इन दो सिचुएशंस में जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी ठीक है अच्छा आप जरा गौर से देखें लिखे नहीं एम ए फोर का क्या मतलब है चारों लेगेंट एक जैसे हो फिर नहीं होगी जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तीन लेगेंट एक जैसे हों तब भी नहीं होगी जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगी जब दो लेगेंट एक जैसे होंगे हाँ मैं बताता हूँ बेटा इधर देखें लिखना छोड़े आप सामने देखें देखो मैं इसके लिए बना रहा हूं एम ए टू बी टू के लिए बना रहा हूं ठीक है अगर मैं ए यहां लू और दूसरा ए यहां लू तो एंगल कितना है A और ए में तो ये सिस होगा ए में एंगल अगर नाइन्टी है तो कॉम्प्लेक्स विल बी सिस अगर मैं ए यहां लू अब एंगल कितना है ए और ए में कितना एंगल है नाइन्टी है अभी भी ये शेष है समझ आई अगर ए में यहां लू तो अब एंगल कितना है अभी भी ये शेष है Got it? और फिर वापस में से A को यहां लू तो ये एंगल 90 है तो ये शेष है तो बी और बी फिर इधर आ जाएगा तो ए और ए में एंगल 90 है तो बी और बी में भी नाइन्टी आएगा यह होगा समझ आई अब मुझे बताओ ए मैं यहां लूं और ए यहां लूं तो एंगल कितना है 90 बी यहां लूं और बी यहां लूं तो एंगल कितना है 90 तो ये क्या हो गया सिस हो गया और बेटा ट्रांस के लिए ए और ए में एंगल 180 डिग्री होना चाहिए तो अगर मैं ए लूं यहां और दूसरा ए लूं यहां तो कितना एंगल है 180 है तो ये ट्रांस कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर बी और बी यहां आ जाएगा ये भी ट्रांस कॉम्प्लेक्स होगा गॉट द आइडिया ये मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं एम ए टू बी टू की मैं बात कर रहा हूं गॉट द आइडिया तो नीचे नोट में लिख लें कि इफ टू आइडेंटिकल लिगेंड्स टू ये बेटा हम बात करें एम ए टू बी टू की तो इफ टू एज आर नाइन्टी डिग्री अपार्ट फिर कॉम्प्लेक्स होगा सिस और इफ टू एज आर वन एटी डिग्री अपार्ट फिर कॉम्प्लेक्स होगा ट्रांस आइडिया रिकॉर्डेड के कब होगा ट्रांस कब होगा? का आपको बोलेंगे ड्रॉ करें सिस्ट नहीं समझ आई मुझे आपके क्वेश्चन की प्लेस कर देते हैं लेकिन जब वो बोले ना कि आप एंड ट्रांस बनाए फिर आपको और से प्लेस करना नहीं आमतौर पर सब क्वेश्चन आएगा ड्रॉ क्वेश्चन इस तरह से आएगा मैं देता हूँ जी सॉरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे ठीक है ये हाँ ये एंगल पे बेस्ड है क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन करें ड्रॉ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ ऑफ ये बेटा इसको प्लैटिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं प्लैटिनम हो दो अमोनिया हो और दो क्लोरीन हो इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं प्लैटिन कॉम्प्लेक्स ठीक है इस पे बेटा चार्ज नहीं है इस कॉम्प्लेक्स में ओके इस पे नेट चार्ज नहीं है तो प्लेटिनम पे क्या चार्ज होगा इसका नेट चार्ज अगर जीरो है तो प्लेटिनम पे प्लस टू चार्ज होगा इसको क्या बेटा बोलते हैं प्लेटिन कॉम्प्लेक्स ये थोड़ा याद रखें ओके प्लेटिन कॉम्प्लेक्स ध्यान में रखें इसके बेटा जोमेट्रिक आइसोमर ड्रॉ करें ड्रॉ करें जोमेटिक आइसोम में एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा सेंट्रल मेटल आइन एक इसमें सिस होगा और एक इसमें ट्रांस होगा तो आप खुद डिसाइड करें सिस कैसे होगा और ट्रांस कैसे होगा जी बेटा ड्रॉ कीजिए इसमें पोजिशन आप बस प्लेस कर दो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए आइडेंटिकल लेगेंट्स में तो अगर ये क्लोरो लेगेंट और ये क्लोरो लेगेंट है तो ये क्या होगा बेटा दो वेज होंगे और दो डॉट लाइन होंगे सॉलिड लाइन हो भी सकती है देखो स्क्वायर स्क्वादर आप यूं भी बना सकते हो ये देखो ये वाला ये भी बना सकते ये भी स्क्वायर स्कोर है उसमें फिर चारों सॉलिड लाइन होंगी उसमें प्लेन ये वाला है और दिया आपकी मर्जी है आप ड्रॉ करो तो आपकी चॉइस है प्लेन पे समझ नहीं आई मेरा ख्याल मैं ये बता दूं फिर मैं प्लेन पर बात करता हूं ओके बेटा देखें ये क्या है ये इसको बोलेंगे सिस क्या है सिस और ट्रांस कैसे होगा ये सीएल ये सीएल ये अमोनिया और ये अमोनिया ये ट्रांसप्लेटिन है ट्रांसप्लेटिन ठीक है आप लोगों ने किसी और तरह भी बना सकते हैं अरेंजमेंट लेकिन बस एंगल आप देखेंगे ओके जो सिटिन है वो यूज होता है एज एंटी कैंसर ड्रग यूज एज एंटी कैंसर ड्रग ठीक है ये कैंसर मेडिसिन के तौर पे यूज होता है सिस प्लेटिन ट्रांस नहीं सिस की बात हो रही है ओके okay? और ये बेटा क्या कहता है इट बाइंड्स विद डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स इट बाइंड्स विद डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल डिविजन एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल डिविजन हाँ इसके बारे में दो मार्क का क्वेश्चन होगा यही लिखें जो लिखा मैंने बताया एबनॉर्मल सेल डिविजन कैंसर कब कॉज होता है जब सेल डिवीजन डिजन हो ना तो ये प्लेटिन डीएनए के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एबनॉर्मल सेल डिवीजन को स्लो डाउन कर देते हैं या रोक देते हैं ये आपने मेमोराइज करना बेटा जस्ट मेमोराइज दिस दिस थिंग ठीक है this, this और दिस इज फॉर सेस प्लेटिन नॉट फॉर ट्रांसप्ला प्लेटिन जो है वो कैंसर मेडिसिन के तौर पर यूज नहीं होता सेन यूज होता समझ आ गई बहुत से ये जो कैंसर मेडिसन होती हैं वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मेजोरिटी हम देखो बेटा ये देखो इस प्लेन में देख रहे हो आपको फील हो रहा है कि ये प्लेन है और ये फील हो रहा है कि ये प्लेन है बेटर फील हो रहा है प्लेन की ओरिएंटेशन फर्क है ना इसमें और इसमें क्या फर्क है ये चार बॉन्ड्स पड़े हुए इस प्लेन में और ये प्लेन है ये दो बॉन्ड ऐसे प्लेन से बाहर निकल रहे हैं और ये दो बॉन्ड उसके बैक साइड में कुछ इंप्रेशन आ रहा है जान में समझ तो आ रही है बेटा बात ये वही बॉन्ड्स हैं ये चार बॉन्ड्स मैंने प्लेन उठा के चेंज कर दिया तो आप जैसे फील होवर के दो बॉन्ड्स बाहर आ रहे हैं दो बॉन्ड्स बॉन्ड्स उसी तरह पड़े हुए हैं वो जो रेड वाला प्लेन था उसको मैंने उठा के डिफरेंट उसकी ओरियंटेशन की है मोलिक्यूल उसी तरह है डॉटेड तो प्लेन के चेंज करने से ये वेज और डॉटेड हम फिर शो करना शुरू कर देते हैं तो स्क्वायर प्लेनर आप यूं भी शो कर सकते हैं ये भी स्क्वायर प्लेनर है ठीक है और ये भी स्क्वायर प्लेनर है बेटा कंफ्यूजन है तो आप क्रॉस क्वेश्चन करें पॉइंट्स उसी तरह है प्लेन हमने चेंज किया है हाँ ये यही तो मैं उस टाइम बता रहा था हेडल कॉम्प्लेक्स हेडल कॉम्प्लेक्स बेटा कैसे होगा यू नो ऑक्टर कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस दो वेजेस हैं दो डॉटेड लाइंस हैं, दो वेजेस हैं दो डॉटेड लाइन है और दो सॉलिड लाइन ये दूसरा ऑक्टाहेड्रल हेडल कॉम्प्लेक्स है दो वेजेस हैं दो डॉटेड लाइन है और दो सॉलिड लाइन ठीक है ठीके? अच्छा अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेटा अगर ये सिचुएशन है एम ए सिक्स यू नो वट इज एम ए सिक्स सिक्स लेगेंट हैं छे के छह एक जैसे हैं फिर जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है अगर एम ए फाइव बी है पांच लेगेंड एक जैसे हैं उस केस में भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कब होगी बेटा एम ए फोर बी टू में इसमें बेटा जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या एम ए थ्री बी थ्री इस केस में जोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है बताओ क्या कोई और पॉसिबिलिटी है लेगेंट्स की अरेंजमेंट की बी फोर ए टू असल में ए फोर बी टू ही है ए फोर बी टू मीन्स के चार लेगेंड एक जैसे और दो लेगेंड एक जैसे इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकता है कि ए थ्री हो थ्री हो और ये फिर सारे डिफरेंट हो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ये तीन सेम हो और ये सारे डिफरेंट हो या ये दो सेम हो और ये सारे डिफरेंट हो ठीक है देखिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है वो करेंगे और अभी तक कोई क्वेश्चन भी नहीं है क्वेश्चन इस पे है और इस पे है पिछले टेन इयर्स में आप क्वेश्चन देखें तो पे है इस पे है। इतना ज्यादा नहीं करेंगे कॉम्प्लिकेट लेकिन इसको ग्रिप कर लो तो आपसे हैंडल होगा क्वेश्चन तो बेटा मैं इससे शुरू कर रहा हूं एम ए फोर एम ए फोर B2, टू ठीक है बेटा देखिए गौर से जरा सामने देखें एम ए फोर बी टू को देखें बेटा देखिए गौर से स्टॉप राइटिंग बेटा आपको इस ऑक्टाहेड्रल में एंगल्स का पता है अच्छा पता है तो मुझे बताओ अगर मैं बी यहां रखू और दूसरा बी यहां रखू तो इसमें एंगल कितना है इस बी और इस बी में एंगल ये क्लियर है या मैं ओपन करूं इमेज कितना एंगल है ये नाइन्टी ये नाइन्टी लग रहा है नाइन्टी एंगल है ये ये फील हो रहा है कि नाइन्टी है को क्लियर है नहीं नाइन्टी है ये ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है ये दो लाइन ठीक है तो इस केस में ये कॉम्प्लेक्स सिस होगा राइट right? सिस पे हम डिसाइड करेंगे दो बीज अगर 90 डिग्री अपार्ट है तो फिर शेष होगा अगर ये बी मैं यहां ले लू बेटा अब भी शेष है क्यों एंगल 90 है ये बी अगर मैं यहां ले लू तो अब भी शेष है क्यों बेटा क्योंकि 90 डिग्री अपार्ट है और ये बी अगर मैं यहां ले लू ये बी मैं यहां ले लू अभी भी शेष है ये नाइन्टी डिग्री अपार्ट है बी एंड बी तो बी और बी 90 डिग्री अपार्ट हो तो फिर ए इन पोजिशन पे आ जाएंगे बाकी जो पोजिशन रह गई पे ए प्लेस कर देंगे बेटा हो क्या होगा 180 डिग्री अपार्ट होंगे बीस देखो तो डायगनल पे बीस को रख दो दो बीस 180 डिग्री अपार्ट हुए तो ये हो गया ट्रांस बाकी जगहों पे ए प्लेस कर दो ठीक हो गया तो नोट में क्या आएगा कि इफ तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम 20 की बेस पर डिसाइड करेंगे इफ टू बीज आर नाइन्टी डिग्री अपार्ट तो फिर सेस होगा और अगर इफ टू बीज वन एटी डिग्री अपार्ट हूं तो फिर ट्रांस होगा गॉट इट बेटा ये ड्रॉ करें ड्रॉ ज्योमेट्रिक आइसोम सीयू एच टू ओ होल फोर ओ OH, एच होल टू इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ड्रॉ करें बेटा जाहिर एक से होगा एक ट्रांस अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन इज दिस वन इसमें क्या करना थ्री बी थ्री बेटा आप मुझे बताओ इसमें क्या होना चाहिए चलें आप just think on this. ये डॉटेड लाइन है ये डॉटेड है ये वेज है और ये सॉलिड लाइन बेटा आप डिसाइड करें कि इसमें सिस, सिस वो होंगे जिसमें देखो या ए को पिक कर लो या बी को पिक कर लो एक ही बात है ना तीन लिगेंड जो एक जैसे हैं वो तीनों 90 डिग्री अपार्ट हों फिर सिस होगा तीनों नाइन्टी डिग्री अपार्ट में कैसे प्लेस करूं कि तीनों 90 डिग्री अपार्ट हों लेट से मैं ए यहां रखूं और ए यहां कितना एंगल है आप कितना एंगल है ये देखो ये ऊपर वाले ए और नीचे वाले ए का कितना एंगल है सबका नाइन्टी है देखो ये और ये भी नाइन्टी है 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 तीनों एज नाइनटी डिग्री अपार्ट हैं फिर ये फिर होगा रिमेनिंग पोजिशन पे या तो तीनों बी हैं या हो सकता है ये बी थ्री ना हो अगले तीन लेकिन तीनों डिफरेंट हो लेकिन ए सेम हो तो बस जो सेम है वो नाइन्टी डिग्री अपार्ट हो तब सेस होगा हाँ तब भी फिर एस को देख के फैसला कर लो तीन जो एक जैसे हैं वो नाइनटी डिग्री अपार्ट हो तो होगा और ट्रांस ट्रांस में क्या होगा सारे 90 डिग्री अपार्ट नहीं आए कम से कम दो के दरमियान 180 डिग्री एंगल होगा बेटा इधर देखो जरा ट्रांस को भी सुनो 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 बेटा देखो ट्रांस कैसे होगा अब ए और ए और ए बताओ बेटा किन एज में 180 डिग्री एंगल है तीनों एज में 180 नहीं आ सकता इस, वो इस ए और इस ए में कितना एंगल है इन दो में इनमें 90 है तीनों में 180 नहीं आ सकता कम से कम दो में 180 आए तो अगर 180 डिग्री एंगल नजर आ रहा है तो वो ट्रांस हो जाएगा क्या मतलब नहीं मैं दो लेगेंट्स में कह रहा हूं दो लेगेंट्स में 180 डिग्री तीनों लेगेंट्स 180 डिग्री अपार्ट नहीं हो सकते इस शेप में तो फिर बेटा इधर बी इधर बी और इधर बी आ जाए तो ये ट्रांस होगा तो इसका नोट लिख लें वेन ऑल दी एज दी एज आर नाइंटी डिग्री अपार्ट तो फिर ये क्या होगा सिस वेन टू एज वन एटी डिग्री अपार्ट फिर ट्रांस होगा समझ आ गई बेटा तो बेटा यहां पे ज्योमेट्रिक आइसोमेजम एंड हुई कल ऑप्टिकल आइसोमेजम पढ़ेंगे